नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। हमारी इस खास सीरीज में क्रमानुसार हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का कैसे आपके ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है, जो कि भारत में दृश्य नहीं है, फिर आपको बचने का प्रयास जरूर करना है। आज शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा ये आपको बताएंगे। आपकी राशि के ऊपर कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर कहीं दुष्प्रभाव तो ना पड़ जाए, इसके लिए आपको उपाय बताने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। होगा हर दिन की भांति माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान का एक महा उपाय, और इसी के साथ ही मूलांक अनुसार आज आपको बताएंगे अपने क्रमानुसार अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि मूलांक के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। आपके पास कई बार जन्म पत्रिका ना होने के कारण भी आप मूलांक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये कहीं दुष्प्रभाव में तो नहीं परिवर्तित हो जाएगा। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, तमाम बारीक से बारीक जानकारी इस शनि के राशि परिवर्तन पर और सूर्य ग्रहण पर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र है ओम एं नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, ओम एं नमः। इस मंत्र का मात्र 27 बार जाप करने से आपके बच्चों के मन से भटकाव की स्थिति खत्म हो सकती है। यानी बच्चे का जो ध्यान भंग हो जाता है, वह पढ़ता नहीं है या फिर वो अपना समय पर कार्य नहीं कर पाता, तो इस मंत्र को आप नोट कर लें और अपने बालक से इस मंत्र का 27 बार जाप करवाएं। हर तरीके से देवी सरस्वती की कृपा होगी और आपका बच्चे का ध्यान जरूर एकाग्रचित होगा। अब बढ़ते हैं आज के दैनिक पंचांग की तरफ। आज का दैनिक पंचांग दिनांक 29 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र रेवती, चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल, जिससे सभी लोग डरते हैं, कार्य बिगड़ जाते हैं इस राहु काल में। राहु काल का समय नोट करें, सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे तक का यह समय, आपको इस समय किसी भी शुभ कार्य से बचना है। दिशाशूल पश्चिम दिशा, यानी आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। आपको बताते हैं कि आज ही के दिन यानी कि 29 अप्रैल 2022 के दिन शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसा यह प्रवेश होगा, राशि अनुसार आपको बताएंगे। कौन सा उपाय आपको करना है, कैसे बचना है इनके दुष्प्रभाव से, वो आपको बताएंगे। और आज एक जानकारी आपको दे दें कि कल यानी आने वाली 30 अप्रैल 2022 को आंशिक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सीरीज को हमने शुरू किया था और आपको उसी को आगे क्रमानुसार बढ़ाते हुए बताएंगे कि यह 30 अप्रैल 2022 को लगेगा सूर्य ग्रहण, मध्य रात्रि के बाद होगा, यानी कि 1 मई को तड़के 12:16 से शुरू होकर 3:52 तक ये रहेगा। संपूर्ण भारत में ना दिखाई देने के कारण इसका कोई नियम और सूतक भारत में लागू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मूलांक अनुसार आप जानिए कैसे करना है एक महा उपाय, जिससे आपकी एक विशेष समस्या खत्म होगी, वो आपको बताएंगे। हमारे पास सफलता का अचूक महा उपाय भी, उसे लिए बिना भी कहीं ना जाएं। और हर दिन की भांति किचन से हम एक विशेष सामग्री आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपकी एक समस्या का समाधान जरूर करती है। तो कौन सी है आज वो विशेष सामग्री, एक सटीक समय पे आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं शनि के राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा ये जानते हैं। मेष राशि, एकादश भाव में ये आ रहे हैं शनि, यानी आज ही के दिन मेष राशि वालों के 11वें भाव में शनि का गोचर होना शुरू हो जाएगा। शनि अपनी राशि परिवर्तन करने में कम से कम 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, तो शनि का यह गोचर मेष राशि वाले लोगों को रुका हुआ मान सम्मान दिलाएगा, रुका हुआ पैसा दिलाएगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी जरूर करेगा। तो भाई स्वास्थ्य के तौर पर मेष राशि वालों को क्या करना है ये बताते हैं। मेष राशि वाले सभी लोग जरूरतमंद लोगों को
और मजदूर वर्ग को अन्न का दान करेंगे और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो मेष राशि वाले निश्चिंत हो जाएं इस उपाय को करने के बाद, बशर्ते शनि कर्म का कारक है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि जो कि शनि यहां पर योग कारक होते हैं, वृष राशि वालों के दशम भाव में शनि का गोचर होगा। दशम आजीविका का भाव है, नौकरी का भाव है, तो ये दशम भाव में शनि का गोचर आपकी नौकरी में उन्नति के साथ साथ घर की तमाम समस्याओं को खत्म कर देगा। भाई यहां से इसका सीधा संबंध जो है चतुर्थ भाव से होगा और आपके द्वादश भाव से भी होगा, तो तमाम परेशानियां आपकी खत्म होने जा रही हैं शनि के इस राशि परिवर्तन पर। और जब घर की समस्या खत्म हो गई है तो आपको क्या करना है उपाय को अपनाने के लिए, देखिए पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आपको सरसों के तेल का एक दिया जलाना है और धन पाने के लिए लक्ष्मी चालीसा का आज ही के दिन से आप पाठ करना आरंभ कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी दैनिक दिनचर्या में बहुत फर्क आ गया और इस शनि के राशि परिवर्तन जो कि आपके दशम भाव में आ गए थे शनि, आपको खूब लाभ दे रहे हैं, बशर्ते आप अपनी दैनिक दिनचर्या पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। मिथुन राशि वाले पिछले 2.5 साल से ढैया से बहुत परेशान है, तो भैया मिथुन राशि वालों आपकी ढैया खत्म होने के साथ ही स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आज खत्म होने जा रही हैं। आपको भरपूर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे, बहुत पहले से सोचा हुआ कार्य जो इन 2.5 साल में नहीं हो पाया आज शनिदेव उसका भी वरदान आपको देंगे। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले सभी लोग भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें और शनि चालीसा का आप पश्चिम दिशा की ओर फेस करके अपना मुंह करके आप पाठ करें। अब आपको बताते हैं कि इस सूर्य ग्रहण पर जो कि कल होने वाला है, भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी मूलांक अनुसार सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, कहीं आप बीमार ना हो जाएं, कहीं आपका पैसे का नुकसान ना हो जाए, तो यह आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है, इसको आप भली भांति नोट कर लें, आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। आपको क्या समस्या हो सकती है, देखिए सूर्य पीड़ित हो रहे हैं और 1 नंबर जो होता है सूर्य का होता है, तो भैया आंखों की समस्या आपको हो सकती है, नेत्र विकार हो सकता है, आंख पर चोट लग सकती है, क्या करना है। इस सूर्य ग्रहण पर भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल में थोड़ी सी रोली और शक्कर मिलाकर आपको अर्पित करनी है, मान सम्मान आपको मिल जाएगा, धन की प्राप्ति आपको होगी और नेत्र विकार आंखों की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। तो कितना यह सरल उपाय है, जिन लोगों का मूलांक 1 है ये उपाय जरूर करें। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 11 तारीख को या फिर 20 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है। इस मूलांक का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। तो मूलांक 2 वाले जो चंद्रमा मूलांक का स्वामी है 2 का, तो चंद्रमा भी यहां पर पीड़ित हो रहे हैं। सूर्य जब ग्रसित होते हैं अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा बलहीन हो जाते हैं, तो मूलांक 2 वाले लोगों को अपयश का सामना ना करना पड़े, उनका मान सम्मान इस सूर्य ग्रहण के बाद बिल्कुल बरकरार रहे, क्या करना है उपाय ये आप जान लीजिए। उगते हुए सूर्य को आप प्रणाम करें और जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में अन्न और वस्त्र का दान आपको जरूर करना है। तो मूलांक 2 वालों के लिए ये छोटा सा उपाय उनके मान सम्मान को हर तरीके से बरकरार रखेगा। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख या फिर 30 तारीख को हुआ है तो जान लीजिए आपका मूलांक है 3। 3 मूलांक का स्वामी होता है बृहस्पति, यानी देवगुरु बृहस्पति। 3 मूलांक वालों को इस सूर्य ग्रहण काल के दौरान पेट की समस्या हो सकती है,
तो भैया पेट की समस्या ना हो इस सूर्य ग्रहण काल के दौरान आपको कौन सा उपाय अपनाना है ये आप जानिए। तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल और गुड़ मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित करना है। केले के छोटे छोटे दो पौधे आप किसी धार्मिक स्थल पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी पेट की समस्या खत्म होगी, आपको स्वास्थ्य का महावरदान भगवान सूर्य नारायण जरूर देंगे। तो इन उपायों को आप अपना लीजिए, हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मेष वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, आज करियर में बदलाव का योग है, अपने खान पान का ध्यान रखें, धन का लेन देन आज बिल्कुल ना करें, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। बात करते हैं वृष राशि, आज अपनों का साथ आपको जरूर मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, समय का सदुपयोग करें, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। मिथुन राशि, आज संतान की ओर से खुशी मिलेगी, करियर में सफलता का योग दिख रहा है, रिश्तों का भरपूर सम्मान करें, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। अब हम आपको बताते हैं कि शनि के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव जो कि आज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जी हां, शनिदेव मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भैया मेष से लेकर और मीन राशि तक के सभी जातक जान लीजिए कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह शनि का गोचर आपको कहीं नुकसान ना दे, इसके लिए छोटा सा एक उपाय जो ज्योतिष गुरु आपको बता रहे हैं आप जरूर अपनाइए। अब क्रमानुसार आपको बताते हैं कि कर्क राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि के अंतर्गत जितने जो जातक आते हैं, माताएं बहनें महिला जो भी आती हैं, वो अपने आठवें भाव के शनि से स्वास्थ्य में गड़बड़ी और अचानक धन खर्च की समस्या से परेशान हो जाएंगे। जो भी लोग कर्क राशि के हैं बहुत ध्यान रखें, अष्टम भाव के अंदर आ रहे हैं शनि, अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा, आपको लाभ भी होगा। लेकिन उपाय के तौर पर चांदी या स्टील के लोटे से आपको शिवलिंग पर एक धारा के साथ जल अर्पित करना है और नमः शिवाय मंत्र का लगातार आप जाप करते रहिए और पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 प्रदक्षिणा करनी है। इस उपाय को आप नोट करें, शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है और पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 प्रदक्षिणा करनी है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए सिंह राशि जो होती है सूर्य प्रधान राशि है और सूर्य को कल ग्रहण लगने जा रहा है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य पीड़ित तो होगा, लेकिन सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में शनि आकर विवाह की समस्या को तो खत्म कर देगा, क्योंकि यहां स्वग्रही हो जाएंगे शनि, लेकिन परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ समस्या हल होंगी तो कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो सिंह राशि वाले सभी लोग जरूरतमंद मजदूरों की सेवा करें और तिल के तेल का एक दीपक शनि मंदिर में अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र इतना सा करने से शनिदेव की विशेष कृपा सिंह राशि वालों पर भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। देखिए कन्या राशि वाले जितने जो जातक हैं उनके छठे भाव में शनि का एक गोचर होगा। छठे भाव में आए हुआ शनि आपको पुराने कर्ज से छुटकारा दिलाएगा, कार्यों को सफल कराएगा, रोग ऋण शत्रु एकदम से शांत हो जाएंगे। छठे भाव में बैठा हुआ शनि शुभ परिणाम जरूर देता है और कन्या राशि वालों के लिए ये एक महावरदान जरूर साबित होगा। क्या करना है कन्या राशि वाले लोगों को? भैया आप शनिदेव के 10 नामों का जाप करें, कोणस्थ, पिंगल, बबरू, कृष्ण, रौद्रांतक, अंतक, शौरी, शनिश्चर, यम, पिपलाद, इन शनिदेव के 10 नामों का आपको रोज जाप करना है और शमी के पौधे की सेवा करनी है। तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दिया शमी के पौधे के पास शाम के समय आप जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। अब आपको बताते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। तो मूलांक जिन लोगों का 4 है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है, 13 तारीख को हुआ है या फिर आप 22 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक 4 है।
चार मूलांक का स्वामी होता है राहु, जो कि ग्रसित कर रहा है सूर्य को। तो भाई आप आपसी कलह कलेश में ना पड़ जाइएगा। आपसी कलह कलेश आपको परेशान कर सकती है, परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है। क्या करें मूलांक चार वाले उपाय? जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें। नमक का सेवन कम से कम करना है आपको, नमक ज्यादा मत खाइएगा, नमकीन चीजों से थोड़ा सा परहेज करें। और घर की पूर्व दिशा जहां से सूर्य उदय होते हैं उस दिशा को बिल्कुल साफ रखिएगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से मूलांक चार वालों को सावधानी बरतनी है। अब अगला मूलांक आ जाता है पांच। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की पांच तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, या फिर आपका जन्म किसी भी महीने की 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक है पांच। पांच अंक बहुत शुभ होता है। व्यापार में असफल ना हो जाए, व्यापार में कोई नुकसान ना हो जाए, इस चीज का आपको इस विशेष सूर्य ग्रहण काल में ध्यान रखना है। यदि आपने छोटा सा ध्यान कर लिया, छोटी सी पूजा अर्चना कर ली, तो आपका व्यापार आपको सफल जरूर बना सकता है। और व्यापार की सफलता के लिए क्या करना है मूलांक पांच वालों को? भगवान गणेश को थोड़ी हरी दूर्वा अर्पित करनी है, कितना सरल है। और भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों का जाप करना है, कितना ये सरल है, जिसको करने के बाद आपका कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान मंगल मूर्ति की कृपा आप पर जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं अगले मूलांक अर्थात मूलांक 6 की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, या फिर 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक है 6। 6 मूलांक का स्वामी होता है शुक्र। तो भैया शुक्र किसी भी तरीके से आपकी पत्रिका में पीड़ित हैं, या फिर इस सूर्य ग्रहण काल के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश ना हो जाए, आप बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें। और क्या करना है उपाय ये समझाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 6 है, दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव को लाल और सफेद गुलाब के फूल अर्पित करें और देवी पार्वती को गुलाब का इत्र जरूर अर्पित करें और उसी को आप आशीर्वाद के रूप में अपने वस्त्र पर या फिर अपनी कलाई पर जरूर लगाएं। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। आज प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, थोड़ा सावधान रहिएगा। प्रॉपर्टी में निवेश आप कर सकते हैं, अपना सामान ध्यान से रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। आज अपनी वाणी के द्वारा आप कार्य सिद्ध कर लेंगे। समय आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी अपनी वाणी का सदुपयोग करिएगा, बिल्कुल प्यार से पेश आइएगा, लेकिन शेयर बाजार में आज के दिन कोई निवेश नहीं करना। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। किसी को आज के दिन उधार ना दें, विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। रात्रि में देर तक बिल्कुल ना जागें। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। तो अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तुला से लेकर मीन राशि तक का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है शनि के राशि परिवर्तन का, कि शनि जो आज परिवर्तन करने जा रहे हैं कुंभ राशि में आने के बाद कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, और इसी के साथ ही मूलांक अनुसार आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है सूर्य ग्रहण से बचने का एक छोटा सा महा उपाय जो आपको लाभ जरूर देगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि शनिदेव जो कि आज कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव लाएंगे। भैया तुला राशि के अंदर शनिदेव होते हैं योग कारक, 4th और 5th भाव के स्वामी, और तुला राशि के 5th भाव में ये शनि का गोचर होने जा रहा है। तो क्या होगा इसका फर्क आपको बताते हैं। तुला राशि वालों के 5th भाव में ये शनि का गोचर योजनाओं को सफल बनाएगा, आपकी प्लानिंग एकदम से सक्सेस होगी और संतान की तमाम समस्याओं का निराकरण होने जा रहा है। यानी आपके बच्चे बीमार थे, अब वो स्वस्थ हो जाएंगे, शनिदेव की कृपा होगी, और बच्चों की कोई ऐसी समस्या जो बहुत समय से सुलझ नहीं रही थी, शनिदेव के कुंभ राशि में आने के बाद उस समस्या का हल आपको मिलने जा रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए जबरदस्त यह साबित होगा शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश। क्या करें तुला राशि वाले उपाय?
सूर्यास्त के बाद शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे और घर की पश्चिम दिशा वेस्ट वाली जो साइड है उसको बिल्कुल साफ रखेंगे। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर, भैया यहां आपकी ढैया शुरू होने जा रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव में जब शनिदेव गोचर करेंगे हर कार्य में मुश्किल से सफलता मिलेगी। यहां चतुर्थ भाव में आने से, वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में आने से यहां ढैया का प्रभाव होगा, हर कार्य में गड़बड़ी के बाद सफलता। तो सफलता तो मिलेगी लेकिन मुश्किलों के बाद। आपको स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि चौथे भाव का गोचर वाला शनि बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देता। क्या करें उपाय वृश्चिक राशि वाले भाई? जितने भी वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, सूर्यास्त के बाद शनिदेव के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को आप नोट करें। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें और जब तक आपकी शनि की ढैया है तब तक आप इस महामंत्र को जपते रहें, आपको बहुत फायदा होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन बिल्कुल करें, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। मंगलवार के दिन पहुंचिए हनुमान जी के मंदिर, उनके दर्शन करिए, आपके ऊपर ये ढैया का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों की ढैया खत्म होने जा रही है, धनु राशि वालों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। धनु राशि के तीसरे भाव का गोचर वाला शनि कार्यों में सफलता के साथ साथ कुछ पेट की समस्याएं दे सकता है। तो धनु राशि वाले वैसे तो खुश हो गए होंगे ये बात सुन के कि साढ़े साथी खत्म हो रही है, लेकिन अपने पेट का ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, डाइजेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष गुरु का एक उपाय आपको इस समस्या से उबार सकता है। अपने माथे पर केसर का तिलक करें और पीपल के वृक्ष की जड़ के पास शुद्ध घी का और एक तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दिया जलाना है। मात्र इतना सा उपाय आप कर लीजिए, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अब आपको मूलांक अनुसार बताने की कोशिश करते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का जो भारत में दृश्य नहीं है कहीं आपके मूलांक अनुसार आपको कोई नुकसान ना दे। तो मूलांक 7 की बात करेंगे। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है, आपका जन्म किसी भी महीने की 16 तारीख को हुआ है या फिर जन्मे हैं आप 25 तारीख को, तो भैया आपका मूलांक हो गया 7। 7 मूलांक वाले कहीं उनका काम ना बिगड़ जाए, कार्यों में विघ्न ना आ जाए, ऐसा क्या खास करें इस सूर्य ग्रहण पर आपको बताते हैं। मूलांक 7 के जितने जो लोग हैं उगते हुए सूर्य के सामने सूर्य के 12 नामों का जाप करेंगे और अपने पिता के चरण स्पर्श करेंगे। ऐसा करने से मूलांक 7 वाले लोगों की दैनिक दिनचर्या में उन्हें बहुत लाभ होगा, पिता से संबंध मधुर होंगे, आपसी वाद विवाद खत्म हो जाएंगे। तो मूलांक 7 वाले इस उपाय को जरूर करेंगे। अब अगले मूलांक की बारी आ चुकी है और आपको बताएं कि अगला मूलांक होता है 8। 8 मूलांक का स्वामी है शनि। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को हुआ है तो भाई आप हो गए 8 मूलांक के। मूलांक 8 आपकी नौकरी की समस्या को कैसे सुलझाएगा यह समझाते हैं। देखिए शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कल है सूर्य ग्रहण, तो आपका मूलांक यदि 8 है तो नौकरी में कोई समस्या ना आ जाए। इस नौकरी की समस्या को खत्म करने के लिए सूर्य गायत्री मंत्र आप नोट करें। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। समझ लीजिए हो गई आपकी समस्या खत्म। तो सूर्य ग्रहण पर आप इस तरीके से अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में या फिर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के अंदर कोई दिक्कत आ रही थी उससे बिल्कुल उबर जाएंगे। अब बात करते हैं आखिरी मूलांक, मूलांक 9 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या फिर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 27 तारीख को, तो आपका मूलांक है 9। 9 मूलांक का स्वामी होता है मंगल। तो भाई मंगल वाले मूलांक वाले जितने जो लोग हैं, जमीन जायदाद या फिर मुकदमों से उनको कोई नुकसान ना हो जाए, पहले से चला हुआ मुकदमा इस सूर्य ग्रहण काल के दौरान आपको कोई नुकसान ना दे दे,
तो जमीन जायदाद की कोई समस्या थी वो बढ़ ना जाए, तो इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपको करना है सूर्य ग्रहण काल के दौरान एक छोटा सा उपाय। मंगलवार के दिन मीठी वस्तु का दान करना है, सूर्य ग्रहण वाले दिन भी आप इस वस्तु का दान कर सकते हैं, और सुंदरकांड का पाठ आप करना आरंभ कर दीजिए। मात्र इतना करने से आप देखेंगे आप दिन प्रतिदिन हर तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, शनिदेव के साथ साथ मंगलदेव की विशेष कृपा आप पर हो रही है। तो हमने आपको बताया कि मूलांक अनुसार आपको कौन सा उपाय करना है इस सूर्य ग्रहण काल में, तो आपने ये जानकारी नोट कर ली होगी और इन उपायों को आप जरूर अपनाइएगा। अब समय हो चला है तुला वृश्चिक धनु राशि के दैनिक राशिफल को जानने का। तुला राशि, दोपहर बाद तनाव हो सकता है, कार्यों को समय पर करने की आदत डालें, कार्यों के विलंब दूर होंगे, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। आज नुकसान का योग बना हुआ है, सेहत का ध्यान रखिएगा, दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, शुभ रंग होगा आपके लिए मेहरून। धनुराशि, पैरों में चोट लग सकती है, अपने पिता का सम्मान करें, शुभ समाचार की प्राप्ति जरूर होगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। अब क्रमानुसार आपको बताते हैं कि शनिदेव जो कि आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी स्वयं की मकर राशि को छोड़कर अपनी से अगली मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में वो कर रहे हैं प्रवेश। तो ये प्रवेश मकर राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा ये भी आप जान लीजिए। मकर राशि वालों के दूसरे भाव में शनि का ये गोचर होगा, तो ऐसा गोचर जो द्वितीय भाव में हो शनि का, तो जमीन जायदाद की समस्या को खत्म करने के साथ साथ रुके हुए धन की प्राप्ति भी कराएगा, आपके कार्यों को सफल भी करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में स्वराशि के हैं शनि, तो यह बहुत ही उत्तम परिणाम मकर राशि वाले लोगों को मिलने वाला है। लेकिन अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई मन में अनिष्ट विचार बिल्कुल ना लाएं। शनिवार के दिन कैसे उबरना है समस्या से, अगर आपके सामने कुछ ऐसी समस्या आती है तो ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन सूर्योदय होने से पहले शनि स्तोत्र का पाठ करना है आपको, और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना है। तो मकर राशि वाले लोग किसी भी समस्या से जो आप अपने मन में समझ रहे हैं कि बहुत समय से यह समस्या चल रही थी, इस राशि परिवर्तन के साथ वो आपकी समस्या खत्म होने जा रही है। अब बात करते हैं शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि जिसमें आज शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं, तो कुंभ राशि में कैसा होगा शनि का गोचर ये आपको बताते हैं। कुंभ राशि में शनि के आने के बाद कुंभ राशि वाले सभी लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देंगे शनिदेव, नौकरी की व्यापार की तमाम समस्याएं खत्म कर देंगे, और काफी समय से पुरानी जो चल रही समस्या थी आज उसका अंत हो जाएगा। तो यानी कि शनिदेव जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं और आज आ रहे हैं, तो हर तरीके से वो उनको लाभान्वित करेंगे, पुरानी से पुरानी समस्या खत्म होगी और स्वास्थ्य बिल्कुल मिलेगा। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले सभी लोग शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय शिवलिंग के पास तिल के तेल का एक दीपक जलाएंगे और छोटे छोटे दो शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। ऐसा करने से कुंभ राशि वालों की कोई पुरानी समस्या है, कोई स्वास्थ्य को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के द्वादश भाव में यानी कि राशि से बारहवें घर के अंदर शनिदेव का गोचर अचानक बीमारियों पर धन खर्च के साथ साथ किसी वाद विवाद में डाल सकता है। भाई 7:30 ही आरंभ हो गई है, तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में शनिदेव को मनाने का प्रयास करना है, एक अच्छा काम, एक नेक काम प्रतिदिन करने की आदत डालनी है। उपाय के तौर पर पीपल और केले के वृक्ष की आपको सेवा करनी है। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है और ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का सूर्यास्त के बाद एक माला यानी 108 मंत्र जो है आप हर दिन जपेंगे। ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आएगा,
और आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श हर दिन करते रहिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अब मूलांक अनुसार हम आपको बता रहे थे कि सूर्य ग्रहण का कैसे आपके ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है। जिन लोगों को यह नहीं पता कि उनके जन्म की तारीख क्या है, बहुत ऐसे लोग होते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अपने मूलांक को नहीं जानते तो भी सूर्य ग्रहण पर आप एक छोटा सा उपाय करें तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। जो लोग अपने जन्म की तारीख नहीं जानते, वह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में गुड़ और जल मिलाकर अर्पित करें। जरूरतमंद लोगों को गुड़ से बनी हुई वस्तु का दान करें और नेत्रहीन लोगों की खूब सेवा करनी है। नहीं जानते आप अपना मूलांक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप नेत्रहीन लोगों की सेवा करिए। अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगा लीजिए और अपने घर की साफ सफाई पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। तो हमने आपको बताया 1 से लेकर 9 तक जो मूलांक आते हैं उनके ऊपर कैसे इस सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव हो सकता है, और जिन लोगों को अपना मूलांक नहीं पता तो उनके लिए छोटे छोटे ये महा उपाय हर तरीके से रामबाण साबित होंगे। अब समय हो चला है मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल जानने का। मकर राशि, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आज दिन खुशियों भरा रहेगा, कार्यों को समय पर कर लें, शुभ रंग होगा आपके लिए काला। आज सारा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, वाहन में खराबी आ सकती है, ध्यान रखिए, अपने ऑफिस अपने कार्यालय समय से पहुंचे, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। अपने वाहन का स्वप्न पूरा होगा, आज लापरवाही से बचें, रिश्तों में मधुरता आएगी, शुभ रंग होगा आपके लिए मैरून। तो आज हमने आपको बताया कि शनिदेव जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कैसा होगा आपकी राशि पर असर, कहां शनि की ढैया शुरू होगी या कहां शनि की साढ़े साथी खत्म होगी, ये आपको बताया और छोटे छोटे उपाय भी हमने आपको बता दिए जिनको क्रमानुसार यदि आपने अपनाया तो आपको लाभ जरूर होगा। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महामंत्र को जानने का, वो भी जानिए। आज सफलता के अचूक महा उपाय महामंत्र में आप क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में एक तांबे का छल्ला धारण करेंगे, मात्र इतना सा करके देखिए, आपका कार्य सफल होगा, आप हर तरीके से ऊर्जावान बने रहेंगे। अब बात करते हैं हर दिन की भांति हमारी माताओं बहनों की सेहत और उनके रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान की। सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ खांसी की समस्या से हमारी माताएं बहनें यदि परेशान हैं तो क्या करना है, भाई अदरक के रस में थोड़ा सा तुलसी मिलाकर सेवन कर लीजिए, जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, खांसी कफ कोल्ड, आपकी ठीक हो जाएगी, इस उपाय को जरूर अपनाइएगा। अब बात करते हैं उनके सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। सुबह के समय भगवान गणेश को लाल गुलाब का फूल और सिंदूर अर्पित कर दें। तो अब समय हो चला है किचन के महा उपाय का, तो वो भी आपको बता देते हैं। आज किचन के महा उपाय में हम लेकर आए हैं आपके लिए हल्दी। जी हां, 3 चुटकी आपको हल्दी अपने नहाने के पानी में डालकर नहाना है, स्नान कर लीजिए, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा और हर तरीके से पूरा दिन ऊर्जावान बने रहेंगे। तो कितना सरल है इस उपाय को करना, आप करके देखिए, हर तरीके से आनंदित हो जाएंगे। तो हमारी ये खास सीरीज जो हमने जी न्यूज के माध्यम से चलाई कि कैसे सूर्य ग्रहण पर आपको कोई नुकसान हो सकता है या फिर उस नुकसान से बचने का महा उपाय क्या है, और शनिदेव जो आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनके राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, यह भी आपको बताया, और अगर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो एक छोटा सा महा उपाय आपको उस दुष्प्रभाव से बचा सकता है। तो कल फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आप जी न्यूज़। नमस्कार।